6 मई 2022 को खबर आई कि आयकर विभाग ने झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के घर पर छापेमारी की। इसमें करोड़ों रुपए भी बरामद किए गए। इस दौरान पूजा सिंघल की अमित शाह के साथ की ये तस्वीर काफी शेयर की जा रही है। साथ में दावा किया गया है कि वो अमित शाह से सिर्फ थोड़े ही दिन पहले मिली थी। फिल्म निर्देशक अविनाश दास ने ये तस्वीर ट्वीट करते हुए इसे छापेमारी से कुछ दिन पहले की बताई। संयुक्त किसान मोर्चा के हिम्मत सिंह गुर्जर ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि पैसों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ तो पूजा सिंघल के घर पर रेड की गई। ये तस्वीर हाल की बताकर शेयर करने वालों में कांग्रेस पार्टी के छात्र इकाई NSUI के राष्ट्रीय महासचिव नागेश करियाप्पा भी शामिल हैं। लेकिन ऑल्ट न्यूज ने जांच के दौरान पाया कि ये तस्वीर हाल की नहीं है। एक वायरल ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने बताया कि ये तस्वीर 2017 की है। गूगल पर सर्च करने पर हमें ये तस्वीर इंडिया कंटेंट नाम की वेबसाइट पर मिली। इस तस्वीर में अमित शाह ने ठीक वैसा ही गमछा पहना है जो उन्होंने वायरल तस्वीर में भी पहना हुआ है। गेटी इमेजेस पर भी हमें पूजा सिंघल और अमित शाह की एक तस्वीर मिली जिसमें उन दोनों ने वायरल तस्वीर में दिखने वाले कपड़े ही पहने हैं। वेबसाइट के मुताबिक ये तस्वीर 16 सितंबर 2017 को ली गई थी जब तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह रांची में आयोजित गरीब कल्याण मेला में पहुंचे थे। भाजपा ने भी 16 सितंबर 2017 को गरीब कल्याण मेला का ये वीडियो अपलोड किया था। इसमें अमित शाह और पूजा सिंघल दिखते हैं। इस तरह पूजा सिंघल के साथ की अमित शाह की 5 साल पुरानी ये तस्वीर हाल की बताकर शेयर की गई। 12 मई को पूजा सिंघल को अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया।